सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को और साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि कूल पैड का कूल प्ले 6 जो कि 15,000 के प्राइस पॉइंट पे जो लॉन्च हुआ था 6GB रैम वाला फ़ोन, उसका छोटा भाई भी कूल पैड ने लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है कूल पैड कूल प्ले 6C करके नाम से आप बोल सकते हो, उसका लाइटर वेरिएंट है, तो वो आज लॉन्च हो गया। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, बताऊंगा उसकी स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और शेयर करूंगा अपने कुछ ओपिनियंस उस फ़ोन के बारे में। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ये फ़ोन की अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग की। तो गाइस, ये ऑफिशियली तो अभी चाइना में लॉन्च हुआ, इंडिया में नहीं आया, इंडिया में कब आएगा वो तो पता नहीं, बट मुझे लगता है कि ये फ़ोन इंडिया में आ सकता है क्योंकि बजट सेगमेंट का फ़ोन है। और प्राइसिंग की बात करते तो ये चाइना में लॉन्च हुआ है 849 yuan का, मतलब इंडियन प्राइसिंग को कन्वर्ट करते तो 8,300 के आसपास रुपये में ये पड़ जाता है। और बात करते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशन की, तो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन तो जैसे कि आपको कूल पैड के फ़ोन में देखने को मिलता है उसी तरीके का मिल जाएगा, बट आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो फ्रंट में देखने को मिलता है। बात करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 इंच का 720p का IPS डिस्प्ले, जो कि 2.5D कर्व ग्लास के साथ में आता है, 294 का PPI देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 425 का प्रोसेसर, जो कि एक क्वाड कोर का प्रोसेसर है, 1.25 GHz पे क्लॉक्ड है। GPU की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एडिनो का 308 का GPU देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करते हैं तो ये वही प्रोसेसर है जो हमें Redmi 4M में देखने को मिलता है। बात करते हैं फ़ोन के रैम और स्टोरेज की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3GB की रैम, 32GB की इंटरनल स्टोरेज, और हम मेमोरी कार्ड से अलग से आप मेमोरी कार्ड बढ़ा के मतलब एक्सपांड कर सकते हो। बात करते हैं फ़ोन के कैमरास की, जो कि इसका हाईलाइटिंग फीचर है। स्पेशली सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरा की, जो कि इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट रहने वाला है ये डिवाइस का। यहाँ पर आपको बजट सेगमेंट में फ्रंट फेसिंग कैमरा दो मिलते हैं। जी हाँ, एक पहला सेंसर है वो 8 मेगापिक्सल का है, दूसरा सेंसर है जो 5 मेगापिक्सल का है, 2.2 के अपर्चर के साथ में आता है। मुझे लगता है कि जो कैमरा है वो आपको बोके मोड वगैरह इफेक्ट बनाने के लिए सेकंड सेंसर का यूज़ करा गया है। बैक कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिल जाएगा, जो कि 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। बात करते हैं सेंसर्स की, तो यहाँ पर आपको एक्सेलेरोमीटर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाएगा, और यहाँ पर जायरोस्कोप और कंपास सेंसर का कंफर्म नहीं है कि ये आएगा या नहीं आएगा। बात करते हैं यहाँ पर ये फ़ोन की बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2500 mAh की बैटरी, जो कि फास्ट चार्जिंग का ऑफकोर्स सपोर्ट नहीं करती है, और जो बैटरी है वो नॉन रिमूवेबल है, मतलब आपका जो बैग में है वो बैटरी आप निकाल नहीं सकते हो। तो गाइस, ये था कूल पैड कूल प्ले 6C। प्राइसिंग को देखते हुए ये जो फ़ोन की जो स्पेक्स है ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं बोल सकते। तो देखते हैं इंडिया में कब आएगा। अगर इंडिया में लॉन्च हो जाता 3GB 32GB वाला वेरियंट 8,000 की प्राइस पॉइंट पे, तो डेफिनेटली एक सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन 8,000 की प्राइस पॉइंट पे अच्छा खासा निकल के आ जाता है। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि कूल पैड इंडिया में ये फ़ोन को कब लॉन्च करता है। प्राइसिंग के हिसाब से मुझे ये फ़ोन अच्छा लगा है, बट इंडिया में क्या प्राइसिंग रहती है और क्या कुछ हमें अलग से देखने को मिलते हैं ऑफर्स वगैरह, तो वो तो इंडिया में आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये न्यूज़ थी, तो सोचा आपके साथ में शेयर कर दूँ। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर से किसी वीडियो में, जब तक ले थैंक यू।